एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। संचार क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? पिछले बार संचार की व्याख्या की गई, फिर भी संचार के बारे में कहा जाता है कि जब मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है और दूसरा मनुष्य उस भावनाओं को अच्छी तरह समझ लेता है, इसे ही संचार कहते हैं। अगर दूसरा मनुष्य उस मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझ पाता है तो इसे संचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। संचार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला, अंतराव्यक्तिक संचार। इस संचार में मनुष्य अपने आप से बात करता है और भूत की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंता करता है। पूजा पाठ को भी अंतराव्यक्तिक संचार में रखा गया। दूसरी बात यह है कि जब पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण जी को अपने आप से बात करते देखा गया, इसे ही अंतराव्यक्तिक संचार कहते हैं। दूसरा, अंतःव्यक्तिक संचार। इस संचार में मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है और जब दो व्यक्ति आपस में टेलीफोन के माध्यम से बात विचार करता है, इसे अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। तीसरा, समूह संचार। इस संचार में व्यक्ति सभा में, कॉन्फ्रेंस में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 20 से अधिक व्यक्तियों का इस संचार में नहीं होना चाहिए, भीड़ को संचार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न प्रकार से मत है। चौथा, मास कम्युनिकेशन। इस संचार में मनुष्य रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह से यह चौथा संचार की श्रेणी में रखा गया। पांचवा, प्रचार संचार। इस संचार में मनुष्य पंपलेट के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है और इससे व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि संचार 5 प्रकार की होती है और संचार ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अगर संचार नहीं होता तो हम अनभिज्ञ होते, इसलिए हमारे जीवन के लिए संचार की
बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आज पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, लेकिन मनुष्य अपने घर में रहकर उससे लड़ने की क्षमता मिलती है। हमें संचार के माध्यम से बहुत बातें की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिए संचार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस व्यूज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।